मित्र वाई सुनते हैं एक अद्भुत प्रसंग। जब एक अनपढ़ आदमी मेले से एक शीशा खरीद लाया तो क्या हुआ? मैं तो एक व्यक्ति गांव का रहने वाला था और बिना पढ़ा लिखा हुआ था। पुराने जमाने की बात है, मेला देखने गया था। वो मेला गांव से थोड़ी ही दूर में लगा हुआ था, 4-5 किलोमीटर पैदल चल के गया। मेले में उसने तरह तरह की चीज़ों को देखा। ऐसा मेला उसने पहली बार देखा हुआ था। बहुत ज़्यादा खुश था। गाँव का रहने वाला आदमी था, बहुत ही सरल और सीधा आदमी था। इतनी देर में घूमते हुए उसे एक जगह पर रुका। उसने वहाँ पर शीशा देखा, मतलब दर्पण देखा। उसने स्वयं को उस शीशे में देखा। अब वो ये नहीं समझ पाया था कि ये हम ही हैं। शीशे में जैसे ही उसने अपने आप को देखा तो सबसे पहले उसने मुस्कुराया और बोला, भैया राम राम। तो उधर से भी आवाज़ आई, भैया राम राम। कहा, बड़े अच्छे भाई साहब हैं, पहली बार मिलने पर ही इतने प्रेम से बोल रहे हैं। अब ये कहे, सब ठीक ठाक है ना? तो वहाँ से भी आवाज़ आए, सब ठीक ठाक है ना? तो बस दुकानदार से बोला, भाई साहब ये भाई साहब कितने के हैं? दुकानदार बोला, कोई भाई साहब समझ के खरीदे या दर्पण समझ के खरीदे, हमें तो सिर्फ पैसों से मतलब है। वो व्यक्ति मेले के लिए जितना पैसा लेके आया था उसने सारे पैसे के 2 रुपये के दर्पण खरीद लिए। अब भाई साहब बार बार देखे और बड़ा खुश हो। किसान शीशा लेके गया और अपने बैठक कमरे में लगा दिया। अब वो उसे दिन में 10 बार देखने जाए। और भैया कैसे हो? अपनी पत्नी के पास बैठे और फिर कहे, 2 मिनट में आता हूँ। फिर वो शीशे के पास जाए और कहे, भैया कैसे हो? फिर लौट आए और फिर जाके पूछे, और भाई साहब न खाते हो न पीते हो, हमेशा मुस्कुराते रहते हो और बड़े ही प्रसन्न रहते हो, बहुत अच्छे भैया हो। वाह वाह क्या बात है। फिर जाए और फिर वापस आ जाए। अब वो दिन में 10 से 15 बार ऐसा करे तो पत्नी को लगा, ऐसा तो करते नहीं थे, ये आखिर जाते कहाँ हैं? जब ये बाहर जाएंगे तो मैं देखूंगी आखिर वहाँ पर कौन है। अब किसान जब घूमने गया तो पत्नी देखने के लिए बैठक वाले कमरे में गई। अब पत्नी बैठक वाले कमरे में गई तो वहाँ पर उसने शीशा देखा। शीशे में पत्नी ने अपना चेहरा देखा। अब पत्नी बड़ी नाराज हुई। वो समझ गई कि इसी के वजह से आते हैं। अब उसने शीशे के सामने मुक्का ताना तो शीशे के सामने भी मुक्का दिखाई दिया। पत्नी सोच रही थी कि ये सुंदर नारी है जो मेरी सौत बन के आई है। मनी मन में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। अब वो रोने लगी, मैं अपनी सौत के साथ एक दिन भी नहीं रह सकती हूँ। तो सास और ननन उसके पास दौड़ते हुए आए और पूछे, क्या हुआ बहू, क्यों रो रही हो? तो बहू बोली, बेटे ही करतूत देखो किसको ला के बैठा दिया है, मैं तो यहाँ पर नहीं रहूँगी, जा रही हूँ। सास बोली, नहीं नहीं मैं देखती हूँ। मैं तो अब सासू माँ गई बैठक वाले रूम में तो उसने वहाँ पर शीशा देखा और शीशे में उसे बुढ़िया दिखाई पड़ी। तो सासू माँ बोली, माता राम आपको राम राम। तो शीशे में भी माता राम आपको राम राम। क्षमा करना, बहू समझ नहीं पाई। बहू को चिल्लाई, अरे क्या कह रही हो, वो तो बुढ़िया है और हमारी उम्र की वृद्ध माता है, सेवा करने के लिए लाया होगा। मैं तो अब शीशा ऐसा ही है, जो सामने जाए उसी का चेहरा दिखाई दे। जब बहू सामने गई तो सुंदर और दिखाई दे, जब सास जाए तो एक वृद्ध माता दिखाई दे। अब दोनों सास बहू में लड़ाई शुरू हो गई। अब ससुर आया निवारण करने के लिए कि क्या कलह मची हुई है। मैं तो अब ससुर जी आए। ससुर जी ने कहा, तुम दोनों अलग हो, मैं जाके देख के आता हूँ। अब ससुर जी ने दर्पण में अपने आप को देखा तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई पड़ा। ससुर जी बोले, अरे भाई साहब राम राम, माफ करना ये आपको समझ नहीं पाई। दाढ़ी वाला पुरुष देखने के बाद दोनों को फटकार लगाई, अरे मूर्खों तुम्हें स्त्री और पुरुषों में भेद समझ में नहीं आता है। सास कहे, नहीं नहीं वो तो वृद्ध बुढ़िया है। ससुर कहे, नहीं नहीं वो तो भाई साहब हैं। और बहू कहे, नहीं नहीं वो वहाँ पर सुंदर औरत बैठी है। इतने में वह व्यक्ति आ गया जो गाँव घूमने गया था। वो बोला, क्या हुआ? माँ ने कहा बैठक रूम में किसको बैठा दिया है। वो व्यक्ति बोला, वो तो हमारे भाई साहब हैं, बड़े अच्छे भाई साहब हैं। तो महिला ने कहा, नहीं नहीं वो तो एक सुंदर स्त्री है। सासू माँ बोली, नहीं नहीं वो तो एक वृद्ध है। ससुर बोले, नहीं नहीं वो तो एक वृद्ध व्यक्ति हैं। अब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं नहीं वो तो एक युवक है। अब दर्पण के सामने जो भी जाए तो उसी का चेहरा दिखाई दे। अब सभी में इसी का झगड़ा होने लगा, कभी शीशा उसके हाथ में तो कभी शीशा इसके हाथ में, और ऐसे में शीशा नीचे गिर के टूट गया। और जैसे ही दर्पण टूटा कोई नहीं बचा, न वृद्ध भाई साहब बचे, न औरत बची,
और ना ही विध माता बची।